हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा एंशंट हिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सल्तनत पीरियड के बारे में। इसमें हम दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मदद अमैश ग्रांट्स वर अवार्डेड टू। मदद अमैश ग्रांट्स कौन सी ग्रांट्स है? ये बेसिकली लैंड ग्रांट्स है। ये कौन कौन से लोगों को दी जाती थी ये ग्रांट्स? दे ग्रांट्स मैन ऑफ लर्निंग को दी जाती थी, रिलीजियस डिवोटीज को भी दी जाती थी, जो नोबल लीजियस लीनियज के पर्सन्स हुआ करते थे उनको भी ये ग्रांट्स दी जाती थी। इसके अलावा जो डेस्टिट्यूट पर्सन्स थे, जो कि अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर सकते, उनको भी ये मदद अमैश ग्रांट्स दी जाती थी, राइट? तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है रिगार्डिंग द मदद अमैश ग्रांट्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगिरी। दियोगिरी को दौलताबाद भी बोलते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली से दियोगिरी। क्यों शिफ्ट करी थी? इसके दो रीज़न थे। एक तो वो सेंटर से पूरे के पूरे किंगडम को अपने को कंट्रोल करना चाहते थे, दूसरा वो फॉरेन इन्वेजन से बचना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। तो रीज़न यहाँ पे क्या लिखा है, देवर रिपीटेड मंगोल इन्वेजन्स ऑन दिल्ली ड्यूरिंग हिज रेन। बिल्कुल सही है, मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए भी उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से दियोगिरी शिफ्ट करी सी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स राइट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, इन द दिल्ली सल्तनत एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड परगना वॉज हेडेड बाय एन ऑफिशियल नोन एज। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी परगना, इसके जो हेड हुआ करते थे, परगना के जो हेड थे उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे अमीर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैड एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ द तिमुरिड रूलर मिर्जा शाहरुख। अब ये कौन थे जिन्होंने इनकी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करा था? तो ये थे हमारे खिजर खान सैयद, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड इबन बतूता एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का चीफ काजी इबन बतूता को किसने अपॉइंट किया था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, इनको और क्या बोलते थे? इनको बोला जाता था मैन ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ नोबल अंडर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अंडर अनुमलिक मुल्तानी ये भी नोबल थे, जाफर खान, नुसरत खान ये भी नोबल थे, लेकिन मुनीम खान जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के अंडर जो थे ये नोबल नहीं थे। ये किसके अंडर काम करते थे? ये जो मुनीम खान थे ये हुमायूं और अकबर के अंडर मुगल जनरल थे, राइट? नेक्स्ट है, मलिक कफूर वॉज हूज जनरल। मलिक कफूर किसका जनरल था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का जनरल। अब ये जो मलिक कफूर था, ठीक है, ये कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? ये दिल्ली का स्लेव जनरल था। और मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी बोला जाता है। मलिक कफूर को बोला जाता है 1000 दिनारी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1000 दिनारी किसको बोला जाता है, तो वो आ जाएगा मलिक कफूर। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे ये दिल्ली के स्लेव जनरल थे। नेक्स्ट है, इन मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रेफर्स टू। मेडिवल इंडिया में जीतल किसको बोलते हैं? तो विजयनगर एम्पायर के जो सिल्वर क्वाइंस थे उनको बोला जाता था जीतल। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्वाइंस। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिजर खान। कब सैयद डायनेस्टी फाउंड करी थी? 1414 AD में। और ये दिल्ली सल्तनत की फोर्थ डायनेस्टी थी, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। अब आगरा किसने फाउंड करा था? तो ये फाउंड करा था सिकंदर लोदी ने। कब फाउंड करा था? 1504 में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स किसने इंट्रोड्यूस करे थे? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक।
तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर। तैमूर के इन्वेजन के बाद कौन सी डायनेस्टी आई इंडिया में? तो उस टाइम पे डायनेस्टी आई थी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिजर खान था। अब जो तैमूर था, तैमूर ने कब इंडिया में आकर इन्वेजन किया था, कब इन्वेड करा था? तैमूर ने इन्वेड किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। कब किया था? 1398 में, राइट। और इसके बाद 1414 में आई थी सैयद डायनेस्टी फाउंडेड बाय खिजर खान। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के पास बहुत सारे स्लेव्स थे। इवन के इन्होंने स्लेव्स के वेलफेयर के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट सेटअप किया हुआ था, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड। कौन से सुल्तान अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देते थे? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी सेटअप किया हुआ था अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। नेक्स्ट है, व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरिया। फॉर विच सुल्तान बरानी मेड दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट किस सुल्तान के रिगार्डिंग है? तो वो है अलाउद्दीन खलजी। अब ये जो अलाउद्दीन खलजी थे ना, ये रिलीजन को सेकेंडरी मानते थे, ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को मेन लेकर चलते थे। अब इनके जो रूल्स थे, अगर इन्होंने बोला कि अगर मेरे जो रूल्स है वो शरिया लॉ के अगेंस्ट है, तो मैं अपने रूल्स को प्रायोरिटी दूंगा, ऐसे लॉ को मैं मानूंगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट है, इन द सल्तनत पीरियड द हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू वॉज। लैंड रेवेन्यू की हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी को क्या बोला जाता था सल्तनत पीरियड में? उसको बोलते थे चौधरी। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1290 तक का था। नेक्स्ट है, हु वॉज द रूलर ऑफ दियोगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खलजी इन्वेजन। अलाउद्दीन खलजी के इन्वेजन के टाइम पे दियोगिरी का रूलर कौन था? तो वो थे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी थी, जो जिसको लीड कौन कर रहा था? मलिक कफूर कर रहा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज नोन एज लक बख्श और गिवर ऑफ लैक्स। ये बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लक बख्श क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी एंड लिबरल डोनेशंस। बहुत ही जेनरस किंग थे और बहुत सारी लिबरल डोनेशंस भी करते थे, इसीलिए इनको लक बख्श भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी। क्यों शिफ्ट करी थी? बहुत बार रीज़न बता चुकी हूँ। दो रीज़न है, एक तो वो सेंटर से पूरे के पूरे किंगडम को कंट्रोल करना चाहते थे, दूसरा वो फॉरेन इन्वेजन से बचना चाहते थे। नेक्स्ट है, तैमूर लेम इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तैमूर ने इंडिया को इन्वेड कब किया था? मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे। मोहम्मद शाह तुगलक जो थे, ये तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये कौन सी डायनेस्टी के थे? ये थे ममलूक डायनेस्टी के, ठीक है, ममलूक डायनेस्टी। नेक्स्ट है, हु अमंग अस द फॉलोइंग सुल्तान्स बिल्ड द फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। अब देखो, जो कुतुब मीनार है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1193 AD में, या फिर आप बोल सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 1200 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनानी शुरू करी थी, और उसके बाद फिर इसने क्या बनाया? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने कुतुब मीनार पूरी नहीं बनाई, इन्होंने एक स्टोरी बनाई और उसके बाद ये चले गए। उसके बाद आया इल्तुतमिश, फिर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो बाकी का काम था वो किया, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ? इल्तुतमिश के बाद 1368 AD में आया फिरोज शाह तुगलक। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने क्या किया? इसने इसकी लास्ट स्टोरी बनाई थी कुतुब मीनार की। लास्ट स्टोरी कौन सी थी? फिफ्थ स्टोरी, राइट। पहले इल्तुतमिश ने इसको ख़त्म कर दिया था कुतुब मीनार को, लेकिन 1368 में इसकी फिफ्थ स्टोरी आकर फिर जो हमारे फिरोज शाह तुगलक थे उसने बनाई थी लास्ट स्टोरी, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी,
राइट right. शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. उसके बाद आया इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ने अपनी तरफ से कुतुब मीनार कंप्लीट कर दिया. लेकिन उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक ने इसकी लास्ट और फिफ्थ स्टोरी जो थी वो भी कंप्लीट कर दी. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.